अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर डिजिटल मेंटेनेंस हेल्पर। दोस्तों मेरे पास ये एक लैपटॉप है HP 6360 i5 है, सेकंड जनरेशन। मेरे एक दोस्त पूछ रहे थे कि इसकी सेकंड रैम कहाँ लगनी है, इसमें तो एक ही रैम लगी हुई है। मैंने सोचा इसके लिए वीडियो बना दूँ ताकि और दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आए पहले तो देखें कि पहले बारी वो तो बहुत ही आसान है। ये देखें, यहाँ से ये बैटरी बाहर निकाल लेनी है पहले आपने। उसके बाद ये कवर का है, इसको कवर को पुश करेंगे तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से अब हार्ड चेंज कर सकते हो, प्रोसेसर, फ़ैन की सफाई वगैरह कर सकते हो। और ये इसकी एक रैम है, ये देखें यहाँ पे, ये इसके DDR3 रैम लगी हुई है। तो ये एक ही रैम लगी हुई है। तो अभी आप दूसरी रैम है, अभी बताता हूँ आपको कहाँ है। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे, ये देखें, ये एक कीबोर्ड बना हुआ है। दूसरी रैम इसकी कीबोर्ड के नीचे होती है। ये यहाँ ये पेज खोलना है, एक ये पेज खोलना है। ये देखिए, इस पर पास भी कीबोर्ड बना हुआ है। इसी तरह यहाँ भी एक कीबोर्ड बना हुआ है छोटा सा। तो ये तीन पेज हमने खोल लेने हैं। तो अभी आपने अपना कीबोर्ड, ये कोई ट्वीज़र ले लें या माइनस पेज कस ले लें, तो ये ऊपर ऐसे आ जाएगा। स्ट्रिप से ऐसे निकाल लेना इसको आपने। और ये देखें, ये इसकी रैम लगी हुई है यहाँ पे। और ये इसका सीमोस सेल है, अगर टाइम वगैरह टेट का मसला हो, आपकी बैक जा रही हो, तो ये आपने चेंज कर लेना है। तो दोस्तों आप, हमने बताया कि यहाँ पे ये रैम है, ये देखिए यहाँ से ऐसे निकालनी है। इसको अपग्रेड करना हो तो यहाँ 2 4 GB लगानी हो, ये देखें, तो हमने 4 GB लगा कर, 2 4 GB लगा कर इसको 8 GB कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। थैंक्स।